स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने चरण शांति वेलनेस सेंटर में। मैं पूनम शर्मा, इंट्यूटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। बहुत इमरजेंसी में मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। जी हाँ, लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, कोविड वर्सेस कैंसर। इस वीडियो को अपलोड करते ही विद इन 2 डेज़ में मेरे पास कोविड पॉजिटिव केसेस आए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनको ट्रीट भी कर रही हूँ, और बहुत जल्द मैं उनके बारे में आप सभी को डिस्क्लोज़ करूँगी थ्रू यूट्यूब। आपको मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अपने विल पावर को कमज़ोर नहीं होने देना है, अपनी इम्यूनिटी को वीक नहीं होने देना है, क्योंकि आपको अगर कोई हरा सकता है तो वो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी विल पावर और एक आपकी इम्यूनिटी। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको कोविड से हरा सकती हैं और कोई नहीं हरा सकता। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से जिनके परिवार में या फिर जिनके आसपास कोई भी कोविड पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, प्लीज़ मेरा निवेदन है आप सभी से कि उन लोगों को आप टॉर्चर मत कीजिए, उनकी वीडियोस बनाकर, उनके बारे में इधर उधर बातें फैलाकर। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से जो अपने माता पिता की डेड बॉडीज़ को कहीं भी फेंक कर भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव होती हैं। क्या गारंटी है इस बात की कि जब आप अपने घर जाते हैं आपको कोविड पॉजिटिव नहीं निकलेगा? हो सकता है आप भी कोविड पॉजिटिव हो जाएं, फिर क्या करेंगे आप? आपको भी कोई ऐसी छोड़कर कहीं भी फेंक कर चले जाएगा? आप उनका दाह संस्कार ना करने के बजाय आप उनको कहीं भी छोड़कर भाग तो गए, लेकिन आप ये सोचिए कि उनका दाह संस्कार उन लोगों ने किया जिनका उनसे कोई रिलेशन था ही नहीं। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना चाहूँगी, ज्योत सिंह जी का। जी, ये एक ऐसा परिवार है जो शहीद भगत सिंह नाम से अपनी एक संस्था चलाता है, और ये परिवार उन लोगों की सेवा करता है जो कोविड पेशेंट होते हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ को, जिनके दाह संस्कार को उनके खुद के परिवार वाले करना ही नहीं चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, लेकिन ये परिवार आगे जाकर उनको सुविधाएँ देता है और उनकी क्रिया करता है। और आज इतना ख़राब टाइम उनके साथ चल रहा है कि वो लोग खुद पॉजिटिव हो गए हैं। जी, लेकिन फिर भी इस परिवार की जो एक खासियत, जो एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दी, वो ये है कि ये परिवार अभी तक इतना स्ट्रांग है कि ये कोविड से डरा नहीं है। इनफैक्ट ये परिवार ये बोलता है कि अगर ईश्वर ने इन्हें एक और चांस दिया तो ये फिर से अपनी सेवा पर वापस आएंगे और फिर से कोविड पेशेंट्स की सेवा को जारी रखेंगे। आप देखिए ना, ऐसे कितने लोग हैं जो आइसोलेशन के टाइम पीरियड को पूरा करके वापस उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है और फिर से अपने डेली लाइफ में वापस आते हैं। क्यों? अगर हो सकता था वो भी डर सकते थे। हमें डरना ही तो नहीं है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। यहाँ पर अगर हमें ईश्वर ने चांस दिया है तो हमें इस कोविड को हराना है, खुद की इम्यूनिटी से, खुद की स्ट्रांग विल पावर से हराना है। कितना भी क्यों ना ये हमें डराने की कोशिश करे, कितना भी ये हमें कमज़ोर करने की कोशिश करे, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं होना है। मेरा उन लोगों से यही निवेदन है जिनके परिवार में कोविड पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति हो रहा है कि प्लीज़ आप लोग उनको टॉर्चर मत कीजिए सिर्फ और सिर्फ फीवर सिम्टम्स आने से या फिर किसी भी टाइप के सिम्टम्स देखने से। कोविड नहीं होता। आप लोगों को उन्हें ऐसे आइसोलेशन के दौरान उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कहाँ गया वो टाइम, कहाँ गए वो संस्कार जब हमें सिखाया जाता था कि कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए। हर दुख, हर कहते हैं ना कि हर बड़ी सी बड़ी बीमारी अगर हम खुद चाहें तो उससे लड़ सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियोस पर यही कहती हूँ कि हमें अपने माइंड से कभी भी नहीं हारना है। जिस दिन हम अपने माइंड से हार गए ना, उस दिन हम सबसे हार गए। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगी कोविड के बारे में, मैं बहुत जल्दी बताऊँगी क्योंकि मेरी हर वीडियो 10 मिनट से ऊपर की होती है और शायद मैं इतना आप लोगों का टाइम ले लेती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस टॉपिक को अभी यहीं पर ख़त्म करूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको कवर अप करूँगी। आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी, पसंद आई, तो आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।